स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी यूपी चुनावी दौरा पर हैं और अभी मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के लोनी विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी लोनी विधानसभा से यामिनी मलिक जी। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं और वो जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर वोट मांगने जाएंगे। मिलर टाइम्स आपका पहले स्वागत है सर। जी शुक्रिया। क्या लगता है सर, ये जो विधानसभा लोनी विधानसभा में इसमें कांग्रेस बाजी मार पाएगी या आप यहाँ एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे उभर के देखे जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस निश्चिंत ही बाजी मारेगी और दिल्ली के एकदम सटा हुआ लोनी 0 किलोमीटर पर है, यहाँ पर विकास भी 0 हुआ है। इस टाइम जो जनप्रतिनिधियाँ तीनों भाजपा के हैं, चेयरमैन भी भाजपा की हैं, विधायक भी भाजपा के हैं और जो हमारे लोकसभा सांसद हैं वीके सिंह जी वो भी भाजपा के हैं, लेकिन लोनी की तरफ, लोनी की जनता की तरफ किसी ने नहीं देखा है। लेकिन सर अभी हम लोग ग्राउंड पे थे, कुछ लोगों से बात कर रहे थे, उसमें हमको बीजेपी समर्थक भी मिले, आरएलडी समर्थक भी मिले, समाजवादी भी मिले। उन लोगों का बीजेपी का कहना है कि देखिए हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ है, यहाँ पर पहले गुंडागर्दी था अब नहीं है और सड़क व्यवस्था भी बहुत बेहतर हुई है। देखिए अभी परसों ही लूट हुई है 12 लाख रुपये की, उससे पहले 2 लाख रुपए की लूट हुई है तमंचे के दम पर। यहाँ पर भ्रष्टाचार और क्रिमिनल चरम पर हैं एकदम, इतनी लूटपाट मचा रखी है, मोबाइल डेली छिन रहे हैं, यहाँ पर गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है और विकास तो आप देख सकते हो, जब रोड पे आप आए होगे तो विकास आपको दिखाई होगा। तो सर इस बार आप जनता के बीच क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं, क्या कांग्रेस से इस बार यूपी में अपनी सरकार बना पाएगी सर? देखिए बहन प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जब से स्लोगन दिया है, महिलाएं उनसे डे बाय डे जुड़ रही हैं, जितने भी उनके प्रोग्राम हो रहे हैं महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं और जो नौकरियां हैं हमारी जो गवर्नमेंट है नौकरियां देगी, भर्ती देगी, सरकारी नौकरियां देगी, महिलाओं को 40% आरक्षण देगी और टिकटों में जैसा बहन जी ने बोला था, बहन प्रियंका गांधी जी ने, तो 40% लड़कियों को टिकट दे चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, जितने भी टिकट हो रहे हैं 40% महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। सर आप जैसे बता रहे थे कि यहाँ पे मुस्लिम वोट भी ज़्यादा है, तो क्या लगता है कि इस बार मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ जाएगा या फिर AIMM के साथ जाएगा? देखिए मुस्लिम वोट निश्चिंत कांग्रेस के पास जाएगा, क्योंकि जब CA NRC का मुद्दा चल रहा था तो बहन प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ही इनके साथ खड़े थे और जो भी समस्या होती है देश में, चाहे वो NRC CA हो या कोई मतलब आपने देखा हो अखलाक की मौत हो, किसी भी मुद्दे पर मुसलमानों के साथ केवल कांग्रेस खड़ी है और मेरा मानना यह है कि कांग्रेस को ही मुस्लिम समाज वोट करेगा निश्चिंत। लेकिन सर आजकल तो ये देखा जा रहा है कि मुसलमानों का कोई नेता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है, क्योंकि संसद से लेकर हर जगह वही आवाज़ उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इस विधानसभा सीट में दो मुस्लिम कैंडिडेट हो गए, तो क्या नहीं लगता कि मुस्लिम का वोट बढ़ जाएगा, चाहे वो इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा? देखिए मुस्लिम वोट नहीं बटेगा, मुस्लिम वोट जहाँ भी गिरेगा एक साथ गिरेगा। आप देखिए कांग्रेस, उन्हें जनता जानती है कि कांग्रेस उनके साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी, तो निश्चिंत ही मुझे तो ऐसा लगता है कांग्रेस को वोट करेंगे मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, हम फील्ड पर जा रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा तो सर क्या लगता है कि आप अपनी सरकार बना पाएंगे, अगर नहीं बना पाएंगे, अगर आप किसी का सपोर्ट करना पड़े तो क्या लगता है इन फ्यूचर किसको सपोर्ट करेंगे आप? देखिए राजनीति में वो समय बताएगा किसको सपोर्ट करना है क्या करना है, पहले हमारा जो फोकस है चुनाव पर है, ज़्यादा से ज़्यादा हम सीट निकालें, हमारी तो कोशिश यही है कि हम सरकार बना लें। तो सर कांग्रेस की मेन मुद्दा क्या है, आप जनता के बीच कौन सा मुद्दे लेकर जा रहे हैं? देखिए जनता के बीच बहुत सारे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ नहीं है, हालत खस्ता है लोगों की, बेरोजगारी चरम पर है, जनता परेशान है, तो जनता के हम मुद्दे उठा रहे हैं, नौकरियां भी दिलाएंगे लोगों को, भर्ती विधान हमने चला रखा है, तो निश्चित हमें लगता है कि जनता हमारी तरफ चलेगी। चलिए बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी यामिनी मलिक जी। आप भी क्या सोचते हैं इनके बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हमारे वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलर टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिलर टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com